गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ, अगर आप इग्नू से बीए करना चाहते हैं तो आपको इग्नू से बीए करते समय कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और आपको बीए में कैसा कम्बिनेशन रखना चाहिए जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई टीचिंग वैकेंसी को देखना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या कोई डीएलएड करना चाहते हैं, या आप कैसे सब्जेक्ट लें जो आपके आने वाले समय के लिए इग्नू के लिए बहुत ज़्यादा हो। आप सबको जैसे मैं बता दूं कि जो बीए होता है उसमें कम्बिनेशन रखा जाता है, ठीक है। कई बार आप सबने देखा कई सारे लोगों का जो कम्बिनेशन होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे आपको टीचिंग में बीएड करना है और आपको 10 तक क्लास से पढ़ानी है, यानी 10वीं क्लास तक अगर आपको टीचर बनना है, या अगर आपको यूपीएससी का या पीएससी लेवल की अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, तो वहाँ पर जो बीए में ऐसे कौन से सब्जेक्ट रखें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, और इग्नू में बीए करते समय कौन कौन से सब्जेक्ट लें, कैसा कम्बिनेशन रहता है, ये सभी प्रकार की बातें जो हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप सब देख रहे होंगे यहां पर मैं एग्ज़ाम फॉर्म में ही आपको बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना। आप देख रहे होंगे कि जुलाई 2023 का यहां पर इग्नू का एडमिशन स्टार्ट हो गया, तो जो भी नए बच्चे हैं जो इग्नू में एडमिशन ले रहा है तो उनको कैसा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या लिखा है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, यानी जो बीए है वो एक बैचलर डिग्री कोर्स है। अगर मैं इग्नू यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इग्नू में बीए को बीएजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इसका कोड है बीएजी, यानी बीए ऑफ जर्नल, जिसको हम बीए पास भी बोलते हैं, या बीए प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये ऑनर्स डिग्री नहीं है, ये कॉमन डिग्री है जो जिसको हम बीए प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, बीए पास के नाम से देश में, हमारे देश में जाना जाता है। अगर आप इग्नू से बीए करना चाहते हैं तो आप इग्नू आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में बीए कराने के लिए सब्जेक्ट आपको ऑफर करता है। जैसे अगर बात करूं तो सबसे जैसे एंथ्रोपोनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन और फिलोसफी, टोटल लगभग कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 14 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको इग्नू बीए में सब्जेक्ट ऑफर करता है, ठीक है। देखो जब आप बीए में एडमिशन लेंगे ना, जब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे उसको हम बात करेंगे, खास तौर से एडमिशन के फॉर्म भर के ही मैं दिखाऊंगा कि आपको एडमिशन के टाइम पर कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए इग्नू की तरफ से बोला जाता है। देखो अगर मैं बात करूं इग्नू में अगर आप बीए करते हैं तो आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट इग्नू बोलता है, आपको दो सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जिसको बोला जाता है कोर कोर्सेज, ठीक है। दो सब्जेक्ट जो आप करेंगे इग्नू आपको दो सब्जेक्ट देगा, जैसे किसी बच्चे ने हिस्ट्री लिया या किसी बच्चे ने पॉलिटिकल लिया, अगर आप दो सब्जेक्ट लेते हैं तो दो सब्जेक्ट आपको तीनों साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज आपको मिलती है, ठीक है। जैसे अगर बताऊं इग्नू में जब आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखिएगा पर देखिएगा, जो आपको मैंने 14 सब्जेक्ट दिखाए थे, जैसे आपको मैंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, सोशोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक मैथमेटिक्स, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोनोलॉजी, हिस्ट्री, और ये मैंने आपको सब्जेक्ट, देखो इग्नू में जब आप एडमिशन लेंगे ना तो आपको ग्रुप बना के देंगे, जैसे ग्रुप वन में, जैसे ग्रुप वन है जैसे इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, ग्रुप टू में क्या है, सोशोलॉजी, एजुकेशन है, ग्रुप थ्री में क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथमेटिक्स है, फिलोसफी है, ग्रुप फोर में क्या है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोनोलॉजी है, और ग्रुप फाइव में क्या है, हिस्ट्री, और यहाँ पर आपके पास साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ बताऊं, इसमें ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, जितने भी ग्रुप हैं, हर आपको क्या करना है, किसी भी ग्रुप में से आपको क्या करना है, दो सब्जेक्ट आपको लेने हैं, क्या करना है आपको, दो सब्जेक्ट आपको यहां पर सेलेक्ट करना रहता है, नीड यूवर से दो सब्जेक्ट लेना है, एक चीज आपको दो सब्जेक्ट लेना है, और एक ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं एडमिशन ले रहा हूं तो जान ले मैंने ग्रुप वन में से मान ले मैंने हिंदी ले लिया, तो हिंदी के साथ मैं इंग्लिश नहीं ले पाऊंगा क्योंकि एक ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने हिंदी ले लिया और हिंदी लेने के बाद जो दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, पाँचवा ग्रुप है, इसमें से कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने हिंदी लिया,
हिंदी के बाद मैंने मान लीजिए मेरे मन में आया कि भाई मुझे हिस्ट्री लेना है, तो जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, तो हिंदी और जो हिस्ट्री होगी ना, ध्यान रखना, जैसे मैंने हिंदी ले लिया, इस ग्रुप में से आप दो जो सब्जेक्ट लेंगे ना, दो सब्जेक्ट आप लेंगे, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपको तीनों साल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने हिंदी लिया था और मैंने हिस्ट्री लिया था, तो हिंदी जो होगा, हिंदी हिंदी सब्जेक्ट और जो मैंने हिस्ट्री लिया है, हिंदी और हिस्ट्री में मुझे फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, थर्ड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी तीनों साल आपकी चलेगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से ग्रुप में से आप जो सब्जेक्ट लेते हैं तीनों साल चलेगा। अब मैं एडमिशन में कैसे वहाँ पर फिलअप करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉर्म में जब भरेंगे तो वहाँ पर कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी दिखाता हूँ, देखिएगा। जैसे आप इग्नू का एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले आपको जो बेसिक डिटेल भरनी पड़ती है, जैसे आपने मोबाइल नंबर से और ईमेल से आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप शुरू में जैसे आप बेसिक डिटेल में आप अपना नाम, पिताजी का नाम, फादर नेम, सारा जो डिटेल है आप सारी भर लेंगे। जो दूसरा ऑप्शन आता है इसमें सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, दूसरे ऑप्शन में सब्जेक्ट आप कैसे लेंगे, जैसे एक प्रकार से बताऊं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा होगा प्रोग्राम टाइप में, जैसे आपको बीए करना तो बीए बैचलर डिग्री है, जैसे यहाँ पर आपको क्या लेना, जैसे आपने बैचलर सेलेक्ट कर लिया, जैसे आपको एमए करना तो मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट का तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना, जैसे मुझे बीए करना, मुझे बीएजी करना, मुझे भाई बीए पढ़ना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बैचलर सेलेक्ट करूँगा। बैचलर के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट है ओडीएल, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग आएगा, ओडीएल कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, कौन सा प्रोग्राम करना है, जैसे बैचलर मुझे करना है तो मुझे कौन सा कोर्स करना है, जैसे यहाँ पर देखोगे ना, जैसे यहाँ पर देखोगे बहुत सारा है, जैसे क्या है, बैचलर ऑफ अप्लाइड हिंदी है, बैचलर ऑफ अप्लाइड संस्कृत है, उर्दू में आप बीए कर सकते हैं, या ऑनर्स में भी आप कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स है, बहुत सारे। देखो जिसको, जिस बच्चे को बीए करना है, जो बच्चा बीए कर रहा है उसको कौन सा कोर्स लेना है, बैचलर ऑफ आर्ट करना है आपको, ठीक है, नॉर्मल जो भी होता है बीए पास या बीए प्रोग्राम, मुझे क्या लेना पड़ेगा, बीएजी लेना पड़ेगा इग्नू में। मैं कैसे लूँगा, मैंने बीएजी, जैसे मैंने बीएजी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, मेरा सलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर ग्रुप आएगा, जो मैंने बताया था पाँच ग्रुप दिखाए थे ना, पाँचों ग्रुप, जैसे मान लीजिए पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, ये जो पांच सब्जेक्ट आप लेंगे, देखो ये अगर बताऊँ, ये लैंग्वेज, ये लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अगर इंग्लिश ले लेते हैं या हिंदी उर्दू कुछ भी लेंगे, तो आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा यहाँ से अगर आप लेते हैं। अगर जैसे मान लो किसी बच्चे ने हिंदी ले लिया, तो यहाँ पर जो आप लेंगे हिंदी लेंगे ना, तो हिंदी की ग्रामर नहीं बल्कि हिंदी का साहित्य आपको पढ़ना है, यानी हिंदी साहित्य आएगा। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश लेते हैं तो आपको क्या यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा, आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत का लिटरेचर। देखो एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों आप सभी को, जो लैंग्वेज होती है, देखो पहले ग्रुप में ये चारों लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो होती है उसकी ग्रामर भी होती है और उसका लिटरेचर भी होता है, यानी साहित्य भी हम पढ़ते हैं और ग्रामर भी पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अगर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत लेता है तो उसको लिटरेचर मिलेगी। देखो एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों कि बीए जो होता है उसमें लैंग्वेज सबको पढ़नी रहती है, ठीक है। अगर आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना है, अगर आपको जैसे मान लीजिए अगर आप आगे चल करके हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं या हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं या संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं या उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं, तब आप यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। अगर आपको साहित्य पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, तब यहाँ पर आप सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश का टीचर बनना है, हिंदी का टीचर बनना है, उर्दू का टीचर बनना है या संस्कृत का टीचर बनना है, तो यहाँ पर जो जिसका भी आपको टीचर बनना है उस सब्जेक्ट को आप जरूर ले लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों को हिंदी का या इंग्लिश का टीचर नहीं बनना है, जिन बच्चों को कोई और, जैसे आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है, आप सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं या आप यूपीएससी की ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं। एक चीज, जितने बच्चे यूपीएससी या पीएससी या जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, खास तौर से लैंग्वेज को छोड़ करके, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत का टीचर छोड़ करके आप किसी और विषय का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबको मैं बता देता हूँ। जैसे अगला ग्रुप जो है, जैसे यहाँ पर क्या है, सोशोलॉजी एजुकेशन है। देखो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इग्नू में बहुत कम बच्चे लेते हैं, सोशोलॉजी को आप ना
आप मत लीजिएगा। एक बात बताओ, देखो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना, दोनों में बता देता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे पॉलिटिकल साइंस ले, यहाँ पर सर्च कर देना पॉलिटिकल साइंस ले लेना, जो लोग यूपीएससी करें, या आप दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ले लेना ग्रुप नंबर 5 से। अगर आप यूपीएससी पीएससी ज़्यादातर अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप कौन सा सब्जेक्ट लें, एक तो ग्रुप नंबर 3 में पॉलिटिकल ले लो और ग्रुप नंबर 4 में हिस्ट्री ले लो। नहीं तो आप लोग इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी अच्छा है। जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल लिया तो हिस्ट्री को छोड़ करके आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। इकोनॉमिक्स भी यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ओनली 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो 2 में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट लेंगे, खासतौर से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर आप जितने भी सब्जेक्ट लेंगे, आपको जैसे आपने इकोनॉमिक्स लिया या आपने हिस्ट्री ली, तो आपको हिस्ट्री 3 साल पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं काम करता हूँ, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, जिन बच्चों को आसान सब्जेक्ट लेना वो भी मैं बताता हूँ। अगर आपको आसान सब्जेक्ट लेना तो आप सभी लोग ना हिंदी ले लेना। बहुत सारे बच्चे होते हैं बताते हैं कि सर मुझे ईजी सब्जेक्ट बता दो, आसान सब्जेक्ट बता दो, तो आप सभी लोग हिंदी ले लेना, हिंदी आसान है। और दूसरा आप पॉलिटिकल साइंस ले लेना, जो बहुत आसान, सीधा बीए करना चाहते हैं किसी तरह उनकी बीए हो जाए, जैसे आप नॉर्मल ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो आसान सब्जेक्ट है वो हिंदी है और पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप लोग यूपीएससी यूपीएससी ट्राई करना चाहते हैं, जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, खासतौर से जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, खासतौर से इन बच्चों के लिए मेरा रहेगा कि आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट जरूर लें। देखो जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, 10वीं क्लास तक पढ़ाना चाहते हो, 12वीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों लोग एक काम करना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट लेना। देखो इग्नू में जो इकोनॉमिक्स बच्चा होता है, इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इग्नू में आपको क्लास नहीं मिल पाती है, तो आप सभी लोग हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे आगे चल करके टीचर बनना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी करना चाहते हैं या मास्टर बनने का अगर उनका प्लान है, पढ़ाना चाहते हैं स्कूल कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो 8 में आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जिन बच्चों को हिंदी का टीचर बनना है या इंग्लिश का टीचर बनना है या उनको उर्दू का टीचर बनना है, तो वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत यहाँ से जरूर लें, खासतौर से इस कॉलम में से लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे भाई पॉलिटिकल साइंस लेनी है और मुझे लेना है हिस्ट्री, मतलब मैंने यहाँ पर हिस्ट्री ले ली, मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने हिस्ट्री ले लिया और मैंने यहाँ पर सारा अपना रीजनल सेंटर क्या लिया, मेरा कॉलेज क्या है, मीडियम क्या है, मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको सबमिट कर दूँगा, जैसे सबमिट होगा तो सारा यहाँ पर बताएगा क्या लिया, फिर इसको मैं नेक्स्ट पर कर दूँगा। यहाँ पर मैं अपनी सारी जो क्वालिफिकेशन मैंने सारा डाल दिया, मैंने कहाँ से, यानी 12वीं के आपका सारा बताना पड़ेगा, 12वीं की मार्कशीट, कौन कौन से सब्जेक्ट, सारा बताना पड़ेगा कि आपने क्या लिया था, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट के बाद देखो कि यहाँ देखो बच्चों, मैं बता दूँ, अगर आप इग्नू में किताब लेना चाहते हैं तो आप इग्नू की किताब ले सकते हैं। अगर आप बुक नहीं लेंगे तो आपकी जो फीस होगी उसमें 15% कट जाएगा। जैसे मान लीजिए इग्नू की फीस है 5000 भाई, तो 5000 में से अगर आप बुक नहीं लेते हैं, हार्ड कॉपी नहीं लेते, 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन बच्चों एक मैं बता दूंगा, आप इग्नू की बुक चाहे तो ले लें या मैं ले, अगर आप इग्नू की बुक नहीं लेते हैं तो आप सभी लोग हेल्प बुक लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। नीरज पब्लिकेशन या गुल्ली बाबा पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है, क्या नाम सी है भाई, नीरज की गाइड आती है और गुल्ली बाबा आती है, उसकी लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखो अगर आप 15% का इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर जैसे 15% डिस्काउंट, देखो यहाँ पर लिख दिया ना कि आपकी जो फीस होगी, जैसे मान लो 5000 रुपये आपकी फीस है, तो 5000 में से आपके 15% कम हो जाएगा, लेस कर देंगे, ठीक है। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, इग्नू वाले आपके पास किताब भेजेंगे। देखो यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज़ मैं बता दूँ, इग्नू में है सेमेस्टर सिस्टम। अगर आपने जैसे मैंने हिस्ट्री ले लिया था और बच्चों मैंने पॉलिटिकल लिया है, तो मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल मुझे 3 साल पढ़नी पड़ेगी। आप लोग जो ग्रुप था ना, ग्रुप में से आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने हिस्ट्री ली थी तो मेरे पास 2 किताब हिस्ट्री का आएगा, या मैं हिंदी लूँगा तो मेरे पास 2 किताब हिंदी का रहेगा, या मैं इकोनॉमिक्स लूँगा तो मेरे पास 2 किताब इकोनॉमिक्स का रहेगा। फर्स्ट ईयर में मेरे पास 2 किताब हिस्ट्री का आ गया है, कंपलसरी आ गया है,
ठीक है। उसके बाद बच्चों मुझे क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे एक लैंग्वेज लेनी है। देखो बच्चों लैंग्वेज सबको पढ़ना रहता है, यहाँ पर जो लैंग्वेज मिलेगी, लैंग्वेज जो हमें पढ़नी है खास तौर से हमें ग्रामर मिलेगी। ग्रामर यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, गुजराती, उड़ीसा, मलयालम, कुछ भी आप ले सकते हो आप जहाँ से आते हो, ठीक है। जैसे मुझे आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो। बच्चों ग्रामर सबको मिलती पढ़ने के लिए, दो साल जो ग्रामर होती सबको पढ़ाई जाती है, ठीक है। बीए में चाहे आप हिंदी लें या जो ग्रुप था, ग्रुप में से अगर आप हिंदी इंग्लिश नहीं लेते हैं तो अब भी आपको ग्रामर मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बीजीएलए 135 ले लो, इंग्लिश वाला है, इंग्लिश है भाई, इसका पेपर अंग्रेजी में होगा। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी ले लो, बीएसडीएलए 135 ले लो, ये हिंदी की किताब है, ये हिंदी में रहेगी। इंग्लिश वाले बच्चे बीजीएलए 135 लेंगे और हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो बीएसडीएलए 135 लेंगे, ठीक है बच्चों, इसको ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश लेना है, मैं एक हिंदी और इंग्लिश भी ले सकते हो, जैसे मैंने इसमें इंग्लिश लिया। उसके बाद जो एक सब्जेक्ट और रहता है, ये इसका जो पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को बोला जाता है, एक कोई भी बीएम है सबको मिलेगा, ठीक है। इसका ये पेपर रहता है ईबीएस, इसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, इसका बुक भी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि हम लोगों ने लिया था ना, कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पर हिस्ट्री के दो पेपर आ गए थे, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर रहेंगे, ठीक है, दो पॉलिटिकल भी रहेगी। जैसे दो किताब हिस्ट्री की हो गई, दो किताब पॉलिटिकल की हो जाएगी। उसके बाद मुझे फिर यहाँ पर एक लैंग्वेज लेनी है, यहाँ पर जो मुझे लैंग्वेज लेनी रहेगी ना, जैसे बीजीएलए 136 जो है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, ये किताब अंग्रेजी में है, इंग्लिश की बुक है, तो और ऊपर वाली जो है हिंदी की बुक है। तो आपका जो मन करे, चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, एक हिंदी लेता है एक इंग्लिश लेता है, या दोनों हिंदी ले लो या दोनों इंग्लिश ले लो, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक में इंग्लिश लिया है तो यहाँ पर मैं हिंदी लूँगा, बीएसडीएलए 136 लूँगा, मुझे हिंदी लेनी है, ठीक है, मैं हिंदी लूँगा। और फिर मुझे एक बुक और सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक किताब और सेलेक्ट आएगी। जैसे पहली वाली जो बुक है ना BEGE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ये इंग्लिश का बुक है, ये अंग्रेजी में है, ये इंग्लिश की बुक है, आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस बुक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, और जिनको इंग्लिश में कोई कमजोरी है या इंग्लिश कम आती है या अंग्रेजी उनकी वीक है तो आप लोग हिंदी ले सकते हो। नीचे वाली जो बुक है हिंदी में है, आप हिंदी वाले, जो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश लेंगे, और जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है हिंदी ले लो, जो मन करे सो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए मैं हिंदी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं हिंदी ले लूँगा, एक इंग्लिश मैंने ले किया, मैं हिंदी ले लिया, तो इस हिसाब से क्या होगा, आप सभी के ना फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट होंगे? 8 सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे दो हिस्ट्री की बुक हो जाएंगी, मैंने हिस्ट्री लिया था, दो बुकें हिस्ट्री की, दो बुकें मेरी हो जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की, और दो लैंग्वेज हो गई, ठीक है, एक और लैंग्वेज है, और एक ईबीएस का बुक हो जाएगा। देखो जो मैंने आपको ग्रुप दिखाया था ना, ग्रुप दिखा था, वहाँ पर आगे अगर आप सभी लोग कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको तीनों साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ बच्चों, एक काम रखना कि जिन बच्चों को भी खास से अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप सभी लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड पेपर पड़ जाता है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स आपको अच्छी तरीके से आती है, अगर आपको कहीं से कोचिंग मिल सकती है तभी आप इकोनॉमिक्स लीजिएगा, या आपको इकोनॉमिक्स का कोई प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ईजी आसान आसान सब्जेक्ट लेना तो आसान में आप हिंदी ले लो और पॉलिटिकल साइंस ले लो, ठीक है, ठीक है। सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको इनसे बचिएगा, ठीक है। खास तौर से जिन बच्चों को यूपीएससी ट्राई करना है वो बच्चे क्या करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से एक ले सकते हैं। देखो इग्नू में बीए में ना, बीए करते समय आप लोग मैथ मत लेना, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो मैथमेटिक्स खास करके आप लोग मत लिए, क्योंकि इग्नू का जो मैथ है बहुत हार्ड मैथ है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, बहुत सारा फंस जाते हैं, बहुत सारी बैक आती हैं, बेचारे पास नहीं कर पाते हैं, तो मैथ लेने से आप बचिएगा। खास तौर से आप लोग मैथ मत लीजिएगा, जहाँ तक मेरा मानिएगा, मैथमेटिक्स आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है, तो मैथ मत लीजिएगा, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट मत लेना, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ खास तौर से इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लेना, दो सब्जेक्ट आपको बहुत ध्यान से लेना है, ठीक है, दो सब्जेक्ट ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर दो सब्जेक्ट जो ग्रुप वाले हैं
जैसे ग्रुप वन में, ग्रुप टू में, ग्रुप टू में जैसे यहाँ पर है ग्रुप टू था, ग्रुप थ्री है, ठीक है, या ग्रुप फोर, क्योंकि यहाँ पर जो आप ग्रुप में लेंगे ना उस सब्जेक्ट को आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा, आप बदल नहीं पाएंगे, बदलाव नहीं होगा यहाँ पर जो आप ग्रुप में से सेलेक्ट लेंगे, और 2 पेपर लेना है। और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत वो लोग लें, और यहाँ पर लोगे तो लिटरेचर मिलेगा, अरे 3 साल पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें बहुत सोच समझ करके, आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, अगर जिस बच्चों को पॉलिटिकल नहीं लेना है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा सब्जेक्ट है, खासतौर से अगर आप पॉलिटिकल नहीं लेते तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। खासतौर से UPSC वाले बच्चे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, या आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिशन, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स भाई सोच समझ करके लेना, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, मैथमेटिक्स 3 साल पढ़ना पड़ेगा तो फंस जाओगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स जिसको नहीं आती मत लेना, ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसको नहीं आता मत लेना इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोच समझ करके लेना, ठीक है। और जिसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत का मास्टर वास्टर बनना है खासतौर से, और क्योंकि 3 साल मिलेगी, अगर हिंदी ले लिया यहाँ पर तो 3 साल हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश ले लिया 3 साल इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, उर्दू ले लिया 3 साल उर्दू पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत ले लिया 3 साल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर सोशोलॉजी ले लिया 3 साल पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन सोच समझ कर लेना, एजुकेशन में बहुत कम बच्चे होते हैं, अगर आपको आगे चल करके एजुकेशन में कुछ करना है तो तभी एजुकेशन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लेना आप सभी को बहुत सोच समझ करके लेना है, जो मैं बताना चाहता था उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जो बच्चे इजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आसान सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, हिस्ट्री खासतौर से पॉलिटिकल साइंस ले लो और हिंदी ले लो, आसान है। और जो लोग UPSC UPSC में जाना चाह रहे हैं वो सभी बच्चे क्या करें, आप एक काम कीजिए, हिस्ट्री में से, पॉलिटिकल में से, और इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिशन में से कोई 2 सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, कोई 2 ले लो, ठीक है। और जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं खासतौर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर ले लें, ठीक है। खासतौर से BA में यही सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बताना चाहता था उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेने में गलती कर देते हैं, बाद में उनका सब्जेक्ट बदलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आप जो सब्जेक्ट ले लें, यहाँ पर जितने सब्जेक्ट मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट जो लेंगे आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बच्चों सोच समझ करके सब्जेक्ट लेना, क्योंकि सब्जेक्ट बदलता नहीं है, बाद में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैथ वैथ कई बार बच्चे ले लेते हैं उनको दिक्कत आती है, यहाँ पर अगर कोई बच्चा इंग्लिश ले लेगा तो भाई 3 साल पढ़ना पड़ेगा, ये मैं बता देता हूँ। वैसे भी आपको इंग्लिश मिलेगी, आगे मिलेगी, वहाँ पर भी ले सकते हैं, खास लैंग्वेज में ग्रामर मिलेगी, यहाँ पर लिटरेचर मिलेगा, तो खासतौर से सोच समझ करके सब्जेक्ट लेना, और एडमिशन करते समय मेरे से एक बार जरूर बात कर लेना, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बता दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कोई बच्चा BA करके और बाद में उसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खराब हो जाए, बाद में उसको पछताना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। आप मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, खासतौर से इग्नू में अगर कोई बच्चा BA में एडमिशन लेता है तो मेरे से एक बार ज़रूर बात कर ले, जितना मैं गाइड हो करना होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, इन सभी की जो मैं सब्जेक्ट दिखा रहा हूं, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूं, और खासतौर से अगर आप लोग मेरे गाइडेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या मेरे मार्गदर्शन में लेना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर भी आपको मेल कर दीजिएगा। मेरा जो मेल आईडी है रजनीकांत रोहतक, ठीक है, मेल आईडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, रजनीकांत रोहतक @gmail.com, आप वहां पर मेल कर सकते हैं, और मैं आपको सिर्फ BA का एडमिशन नहीं बल्कि BA में पढ़ा भी दूंगा, और सारी गाइड करना होगा मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। तो आप मेरा नाम जरूर याद रखिएगा, rajnikant@rohtak@gmail.com पर मेल कीजिए और मेरे से एक बार बात कीजिएगा, तभी आप इग्नू में एडमिशन लीजिए। खासतौर से जो भी बच्चे BA में एडमिशन ले रहे हैं वो मेरे से एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा और आपको पूरा मैं गाइड करने वाला हूं, साथ में पढ़ा भी दूंगा, और आपको 1% की भी इग्नू यूनिवर्सिटी में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा, ना तो आपको असाइनमेंट में आएगा ना तो आपको एग्जाम में आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं पढ़ा भी देता हूं, और सारी गाइडेंस मेरी तरफ से रहेगी, और आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट तो करने की, या बस एक बार संपर्क कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और एडमिशन ऐसे लीजिएगा सोच समझ कर लेना भाई, मेरे सब्जेक्ट गलत हो जाता बच्चे पछताते रहते हैं, ठीक है, ऐसा ना करना पड़े। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।